कोई नंबर है उसमें हम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें और क्यूब निकालें तो क्यूब में क्या डिफरेंस आएगा क्यूब ऑफ ए नंबर उस नंबर के क्यूब में क्या चेंज आएगा तो First, तो लेट अस सी फर्स्ट पहले हमें एक नंबर को एज्यूम करना होगा तो लेट ए बी और नंबर ओके देन क्यूब इज ए क्यूब राइट इसका जो क्यूब होगा वो ए क्यूब होगा अब हमें ये पता करना है कि यदि हम इस ए में थ्री से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आए उसका हम जब क्यूब निकालेंगे तो क्या डिफरेंस होगा क्या होगा उसके मतलब क्यूब uh, में अस सी ए बाई थ्री ठीक है ये बोला है ना कि इफ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई थ्री तो हम कहेंगे कि नाउ इफ वी मल्टीप्लाई ए बाई थ्री इस ए कोम थ्री से मल्टीप्लाई कर दें देन नंबर बीकम देन दंबर ए बिकम थ्री ए लेकिन जो थ्री ए होगा इसका क्यूब क्या आएगा अस सी दैट देन It's cube. A whole to the power okay? फिर पे हम अलग अलग क्यूब करेंगे थ्री का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ए का यहाँ तो पर क्या हुआ डिफरेंस देखिए पहले नंबर जब ए था तो ए क्यूब आ रहा था मतलब क्यूब जो आ रहा था ए का वो एवर थ्री आ रहा था जब हमने थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर और इसका क्यूब निकाले तो अब आ रहा है ट्वेंटी सेवन टाइम्स ए क्यूब मतलब जो पहले आया था नंबर का क्यूब उसके ट्वेंटी सेवन टाइम्स हो गया इसका मतलब कि इफ मल्टीप्लाइड बाय देन इट्स क्यूब बिकम्स ट्वेंटी सेवन टाइम्स इट मे इट मीन इफ वी मल्टीप्लाई नंबर बाय थ्री देन इट्स क्यूब बिकम्स ट्वेंटी सेवन टाइम्स द गिवन नंबर ठीक है तो हम ये समझ चुके हैं कि थ्री से करेंगे तो हमारा हो जाएगा ट्वेंटी सेवन टाइम्स अब हम चेक करेंगे फोर से तो हम यहीं पर एडिट कर दे रहे हैं तो समझिए अब यदि नंबर ले लेते हैं ए और ए का यदि क्यूब करेंगे तो ए क्यूब आएगा यहां तक तो सेम रहेगा सेकेंड के लिए भी तो लेटस डू इट फॉर सेकेंड सेकेंड ओके तो यहां तक तो सेम रहेगा उसके बाद देखिए नाउ इफ यू मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई ए बाई फोर मीन्स यहां पे चेंज कर देंगे और यहां पे कर देते हैं यदि हम यहां पर फोर ए the uh, हाँ क्यूब करेंगे? करेंगे तो मिलेगा फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन फोर जाएगा सिक्सटी फोर तो देखिए क्यूब अब हो जाएगा सिक्सटी फोर टाइम्स मीनस यहां लिखेंगे बस ट्वेंटी Four times. यहाँ पर और यहाँ पर कर देते हैं हो हो जाएगा हमारे यहाँ four और यहाँ हो जाएगा पे और इट मीन इफ यू मल्टीप्लाई नंबर बाई फोर देन इट्स क्यू बिकम्सटी फोर टाइम्स नंबर अब यदि, यदि फाइव से तो क्या होगा तो हम यहाँ पर सबका चेक कर देते हैं एक बार उसके बाद से हम बता देंगे देखिए जब फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा कि जो क्यूब आएगा नंबर का वो वन ट्वेंटी फाइव टाइम्स आ जाएगा गिवन नंबर के क्यूब का देन ठीक है गिवन नंबर क्यूब ऑफ ऑफ गिवन नंबर यहां पर क्यूब ऑफ रहना चाहिए क्यूब ऑफ गिवन नंबर ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय